सो आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर. आई डोंट नो आप लोग कहाँ कहाँ से हो. सो अशोक साहब आप कहाँ से हो प्लीज आप चैट पे लिखो. जहाँ जहाँ से भी जुड़े हो कहीं से भी जहाँ से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं. श्रीवास्तव साहब आप भी, नाजनीन, अच्छा अशोक जी जुड़े हैं मुंबई से, एंड नाजनीन आप हो क्वेत, राइट, क्वेत से जी साहब, जुड़े हैं. एंड श्रीवास्तव साहब आप कहाँ से हो, आप अभी बताएंगे. एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग सो इट इज ग्रेट. वेलकम एवरीवन. सो आप लोग कहाँ से हो प्लीज आप अपने चैट पे मेंशन कर दीजिएगा. मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज अलग अलग सिटी से अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ रहे हैं. सो आई फील सो हैप्पी अबाउट यू ऑल. वी आर ऑल कनेक्टेड इन दिस वन सिंगल प्लेटफॉर्म. सो आई एम सो ग्रेटफुल. सो देर आर मोर पीपल टू जॉइन, अबाउट टू ज्वाइन, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद यू. आई डिड फ्यू ऑफ द साइकिक रीडिंग्स एंड स्कैनिंग्स जिस जिसकी हुई है यहाँ पर. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों की मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बाकी लोगों की शायद अभी मेरी अभी इस मंथ में ड्यू है. सो कुछ आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट योर सेल्फ. अशोक साहब तो हैं अभी ऑफिस में, वो शायद नहीं आ पाएंगे. लखविंदर जी आपने ज्वाइन किया है, गुड टू सी यू. यू आर फ्रॉम विच सिटी प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट. राइट, रिंकी जी, आई एम फ्रॉम सिंगापुर. ओ वाओ दैट्स वंडरफुल, ग्रेट टू बी. आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 3 years, सो ओ हाँ. रियली, ओ वाओ दैट्स तो सो गुड, ऑसम. आई एम रियली हैप्पी टू गेट कनेक्टेड विद यू पर्सनली ऑन जूम. वंडरफुल. आई थिंक आपका अभी मैं कर चुकी हूँ या मुझे करना है, आई डोंट रिमेम्बर. करना करना है. ओके सो आपसे हम इस बारे में बाद में, जब आपका हो जाएगा देन आई लास्ट. आई श्योर श्योर, थिंक सीपी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वो दिल्ली से हैं. नाजीन आपने देखा था, आपका मुझे याद है मैंने किया था. यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट इट, योर साइकिक रीडिंग वाला जो स्कैनिंग करके हमने डिस्कस बताया था. जी मैम, ओके शैल आई गो अहेड? हाँ जी हाँ जी, गो ऑन. वेल, आई थिंक सो. मैं आई विल नेवर हैव अ डाउट ऑन मैम्स रीडिंग. इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज एक्यूरेट, एंड द रेमेडी शी गेव मी इज वंडरफुल. थैंक यू नाजनीन. श्रीवास्तव साहब आपका भी शायद मैंने किया था, आपका मुझे ध्यान है मैंने किया था. कुछ बताना चाहेंगे आप? अनम्यूट करके बताइएगा. आवाज नहीं आ रही आपकी. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल इशू. आपका आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी. जब आपका थोड़ा टेक्निकल इशू ठीक हो जाए तब बीच में आप बता दीजिएगा. सो लेट मी जस्ट गो ऑन विद द थिंग दैट हम सबको मालूम है दैट इट्स एन यू नो वी आर एट अ स्पेस वेयर 2023 इज अबाउट टू एंड एंड 24 इज कमिंग. सो कुछ के लिए ये साल बहुत अच्छा गया है और कुछ लोगों के लिए ये साल कुछ टफ टाइम देके गया है. राइट, आई बिलीव सब लोग रेजोनेट कर पा रहे होंगे. तो जो लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, गुड एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों के साथ हुए हैं बैड एक्सपीरियंसेस इन सम वे. आई मीन कुड बी अ हार्ड टाइम ड्यू टू हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, मनी इशू, सक्सेस इशूज, सम काइंड ऑफ डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स जहाँ जहाँ लाइफ में उनको इशूज आए होंगे. सो
आपके साथ, आप अगर मैं ये पूछूं हाउ वाज 2023 ऑन स्केल ऑफ 0 to 10, 10 इज सुपर्ब एंड 0 इज वेरी वेरी बैड, और मिडिल में आप क्या नंबर देना चाहोगे? एनीवन, यू कैन राइट डाउन। मैम 10 में से 3.5 पासिंग मार्क्स होते हैं स्कूल में, सो आई फील 3.5. आई जस्ट पुश थ्रू 2023 ऑल्सो. ओके, सो सीपी श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, नेगेटिव आइडिया ज्यादा आती है, मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ। एंड शाह साहब लिख रहे हैं 0, लखविंदर जी लिख रहे हैं 6 out of 10। सो एवरीबडी यू नो हैव देयर ओन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दे हैव गॉन थ्रू इन 2023, बट वो सारे एक्सपीरियंसेस जो गुड और बैड की कैटेगरी में हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेसिकली वो एक्सपीरियंसेस क्या हैं? फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इजंट इट? सो वो सारी चीजें अगर हम देखें कहाँ पर स्टोर हो रही हैं, हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर, वॉट एवर वी हैव गॉन थ्रू इन द लाइफ, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन आर माइंड कॉन्शियसली। अभी हमें पता है क्योंकि अभी ताजा ताजा होके चुका है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे माइंड के अंदर सबकॉन्शियस वे में जाके बैठ गई हैं, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ बिलीफ सिस्टम, दे हैव फॉर्म्ड मेमोरीज आउट ऑफ इट। और जो हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं ना, बेस्ड ऑन दोज बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, वो सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। वो बेस्ड ऑन आर कर्मास, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, द बिलीफ सिस्टम्स वी हैव फॉर्म्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, द माइंड इज क्रिएटिंग द सेम काइंड ऑफ एनर्जी इन आर रियलिटी टूडे एंड टूमोरो ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सारी चीजें क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस स्टोर्ड इन द माइंड। सो ऑल दीज एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, जो समझ पा रहे हैं, जो इस चीज को, मेरी बात को रेजोनेट कर रहे हैं, वो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स सो दैट एटलीस्ट आई कुड फील कि हाँ सब लोग मेरे साथ हैं। आर यू विद मी? यस, राइट, यस, फैंटास्टिक। सो अब जो ये हमारी एनर्जीज है ना, हमें इनके ऊपर ही काम करना है। वी नीड टू कीप आर एनर्जीज हाई, वी नीड टू कीप आर माइंडसेट पॉजिटिव अपने फेवर में, अपने सपोर्टिव वे में, कि वो हमें सपोर्ट करे। हम चारों तरफ ढूंढते रहते हैं ना कि हाय हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही, कलीग्स नहीं सपोर्ट कर रहे, फ्रेंड्स नहीं सपोर्ट कर रहे, हमें समझ नहीं रहे हमारी जरूरत क्या है, हम बता नहीं पा रहे एक्स वाई जी। बट अब क्या होगा, हमें अपने माइंड को बनाना है सपोर्ट, अपना सपोर्ट सिस्टम। सो हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे अंदर ही है, इट इज जस्ट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई इट, वी नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स जो माइंड के अंदर हमने होल्ड करके रखा हुआ है, विच इज नॉट सर्विंग अस फॉर आर हाइएस्ट गुड, वी नीड टू लेट देम गो, एंड सो दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू स्पेस फॉर ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन आर रियलिटी। दिस इज वॉट वी नीड टू डू। सो वी नीड टू वर्क ऑन द एनर्जी सिस्टम और आर माइंड सेट। तो अभी जो 2024 आ रहा है, अगला साल, जिसका नंबर बनता है 8, सो नेक्स्ट ईयर 2024 इज नंबर 8, एंड 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न, कार्मिक नंबर है ये। सो वी नीड टू वर्क इन डिसिप्लिन और अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2024 आ रहा है उसका जो नंबर है वो 8 है, और जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज सैटर्न, दैट इज शनिदेव, जो कि बहुत ज्यादा अपने में डिसिप्लिन पसंद करते हैं, जो कि आपके कर्मों का नतीजा आपको देते हैं,
और इसलिए हमें अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपने काम को बहुत मेहनत से, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी तो आपको पता ही है कि सैटर्न का क्या 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 आइडेंटिटीज और क्या क्या बिहेवियर होता है, वो मैं इसको डिस्कस और नहीं करूंगी। जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन दिस। सो वॉट एवर हैज हैपेंड इन 2023, जो गुड हुआ है, जो अच्छा हुआ है, जो हमारे भले के लिए हुआ है, उसको हमें ग्रेटिट्यूड करना है और बाकी के को लेट गो करके स्पेस बनाना है 2024 के लिए, फॉर न्यू एनर्जीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू मैनिफेस्टेशंस। यू नो, वी नीड टू क्रिएट वाइब्रेशंस फॉर ग्रेट हेल्थ, सक्सेस, वेल्थ, बेसिकली द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्व्स। सो देयर फोर टूडेज सेशन वॉज आई वॉज सपोज टू शेयर, जो मुझे गाइडेंस मिली थी कि मुझे एक ग्रुप फॉर्म करना है, वो मैं आपको गाइडेंस में बता रही हूँ। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वो आएंगे, आई एम सरप्राइज दे आर नॉट हेयर। हुआ ये था कि मुझे जो गाइडेंस मिली उसमें ये आया दैट आई डेली एवरी डे फॉर जस्ट हाफ एन आवर हीलिंग्स, प्रेयर्स, हीलिंग डाउनलोड्स, मेडिटेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मुझे गाइडेंस आएगी आई विल डू फॉर यू ऑनलाइन सेशन के थ्रू ऑन जूम। एंड बिकॉज इट इज अ ग्रुप, अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, इट्स नॉट वन टू वन। एक स्पेसिफिक हीलिंग किसी इंसान के लिए नहीं कर रही है, पूरा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो पूरे ग्रुप के अंदर सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। सो इट इज लाइक अ जनरल हीलिंग टू कीप आर एनर्जीज पॉजिटिव एंड हाई। द मोमेंट वी कीप आर एनर्जीज पॉजिटिव ऑन डेली बेसिस एंड वी आर रेजिंग द एनर्जीज ऑन डेली बेसिस, तो जो डेली बेसिस में जो हमें धीरे 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 पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हीलिंग्स हो जाएंगी इंटरनली कलेक्टिवली, बिकॉज वी वुड ऑल्सो बी डूइंग अ कलेक्टिव प्रेयर्स फॉर एवरी वन इन दिस ग्रुप, फॉर देयर हीलिंग्स, फॉर देयर मैनिफेस्टेशंस, राइट? एंड आउट ऑफ दिस ग्रुप, जो भी ये ग्रुप में डेडिकेटेडली एवरी डे यू नो ज्वाइन करेगा, जो भी होगा आउट ऑफ दिस ग्रुप, आई वुड पिक वन पर्सन एज पर गाइडेंस, जो भी आएगा गाइडेंस में किसको पिक करना है। आई विल डू अ फ्री हीलिंग सेशन टू फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ द पर्टिकुलर इश्यू द पर्सन इज फेसिंग इन द लाइफ। वो हो सकते हैं कॉजेज पास्ट लाइफ से आ रहे हों, हो सकता है एंसेस्ट्रल इशू हो सकता है कोई कर्स हो, मदर वूम्स के हो, यू नो चाइल्डहुड ग्रूमिंग के टाइम पे हो, वॉट एवर, वी विल फाइंड इट आउट ड्यूरिंग दैट फ्री सेशन। बट दैट सेशन वुड बी डन इन द ग्रुप इट सेल्फ, इट्स नॉट वन टू वन काइंड ऑफ अ सेशन, इट वुड बी इन द ग्रुप। सब लोग हैं यहाँ पर? एम आई ऑडिबल? ओके, सो दैट दैट दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू डू। एंड इफ यू हैव सम स्पेसिफिक और सम पर्सनल इशू जो कि ग्रुप के अंदर हम एड्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरी वेरी पर्सनल इशू, देन यू कैन बुक अ सेशन वन टू वन विद द एनर्जी एक्सचेंज फॉर द हीलिंग। एंड बिकॉज एक ये भी आया क्योंकि सबके टाइम जोन्स अलग हैं, इंडिया में कुछ और टाइम है, नाज़रीन कुवैत में बैठे हैं उनके यहाँ और टाइम जोन चल रहा है, एंड लखविंदर सिंगापुर में है उनका कोई और टाइम जोन है, एंड देर आर पीपल हु आर इन दिल्ली इटसेल्फ बट दे आर वर्किंग, देयर प्रोफेशनल टाइमिंग्स आर बेस्ड ऑन US टाइम जोन, वो उनका ऑफिस वहाँ का है, सो दे हैव देयर डिफरेंट टाइम जोन्स। उसके बेसिस पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो ज्वाइन ग्रुप को नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब हम ये ग्रुप में हीलिंग्स करेंगे डेली, तो उनके लिए ये आ रहा था दैट आई वुड गो
ऑनलाइन ऑन यूट्यूब साइमल्टेनियसली थ्रू जूम, सो दैट दे कैन वॉच द सेम थिंग, दे कैन रिसीव द हीलिंग्स लेटर ऑन एज पर देयर कन्वीनियंस. एंड इफ एनीबडी इन द ग्रुप समटाइम्स यू नो दे मिस इट फॉर अ डे और टू, दे कैन ऑल्सो गो ऑन यूट्यूब एंड डू द नीडफुल अकॉर्डिंगली. इज इट गुड? अब तक आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर हेयर बिकॉज सारे लोग म्यूट पे बैठे हुए हो. सो काइंडली कमेंट. लखविंदर सेइंग यस, अशोक साहब सेइंग यस, ओके वेरी नाइस. सो अब तक जो भी हुआ था इज इट गुड? यू वॉन्ट टू से समथिंग? हिमांशु इज सेइंग यस, नाजीन सेइंग यस, परफेक्ट. सो बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? बेनिफिट्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. अभी क्या हो रहा है, लाइक जब जो लोग यूट्यूब पे हैं देखेंगे जाके, दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप यूट्यूब पे हैं, दे विल नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस विद मी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन. दे विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो एज अ फॉर दिस फ्री हीलिंग सेशन. दे विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू यू नो लर्न फ्यू थिंग्स जो कि हम अपार्ट फ्रॉम द सेशन यूट्यूब में जाए बगैर कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ ग्रुप के लिए रखने वाले हैं, वो यूट्यूब पे लाइव नहीं होगी, तो उनको वो वाली चीज़ें नहीं मिलने वाली. सो बेनिफिट्स ग्रुप के यही होंगे कि आप डायरेक्ट टच में रहेंगे मेरे से, डायरेक्ट एक्सेस होगा विद मी, सो यू मे कनेक्ट एंड डिस्कस योर इश्यूज अकॉर्डिंगली. You will get to learn various things that will help you transform your reality. And you receive the healing downloads extra sometimes when we are not live on YouTube. If you want, you may add your family members or friends to this group on Zoom. But one thing, to get the maximum benefit, you have to be committed to be regular and participate in sessions and follow the guidance. जो भी उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी, इट कुड बी थ्रू मेडिटेशन, इट कुड बी थ्रू सम काइंड ऑफ यू नो हीलिंग टिप्स जो भी उस टाइम पे मुझे आएगी गाइडेंस में. सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस टू रिसीव दोज थिंग्स. इट्स ऐसा नहीं है कि हम एक दिन आ गए, 4 दिन नहीं आए. तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेट बेनिफिट. रिजल्ट तभी मिलेगा, उसका हीलिंग का फर्क तभी पड़ेगा, लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे वेन यू आर जेन्युइनली डूइंग इट. सो दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल. सो अब तक के लिए इट इज इट साउंड गुड? ओके सो व्हाट अबाउट, सबके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा? मतलब कुछ तो देना होगा ना. एवरी डे आई एम टेकिंग हीलिंग्स, एवरी डे ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, आई एम टेकिंग गुड वाइब्स एंड यू नो ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्यू थिंग्स. तो कुछ तो होगा ना उसका. किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया, व्हाट वुड बी द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस डेली सेशंस? यस यस यस, आई नीड आंसर्स. सो फ्यू ऑफ देम आर ज्वाइनिंग राइट नाउ. अभी तो सारा निकल ही चुका है. एनीवेज मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा तो मैं कैसे बताऊं आगे के लिए. सो एनीबडी डू यू हैव एनी क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड दैट दिस ग्रुप, हीलिंग ग्रुप विच आई एम फॉर्मिंग, व्हाट वुड बी द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस विच इज गोइंग टू बी ऑन डेली बेसिस फॉर हाफ एन आवर एवरी डे? ओके सो दिस ग्रुप इज कंप्लीटली फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरी वन. नो मॉनिटरी फीस, नो मॉनिटरी फीस. आई जस्ट नीड योर जेन्युइन पार्टिसिपेशन, योर रेगुलर प्रैक्टिस एंड योर फीडबैक शेयरिंग एंड ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस बिकॉज आई बिलीव एन एक्ट ऑफ काइंडनेस क्रिएट्स मल्टीपल रिपल्स.
सो वॉट एवर ग्रुप आई एम फॉर्मिंग, वॉट एवर ग्रुप आई एम फॉर्मिंग, मैंने शायद यूट्यूब पे भी बोला था, बहुत सीरियस लोगों को ही मैं लूंगी, बट अभी आई एम टेकिंग दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, दिस वुड बी फ्री, आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट ऑन डेली बेसिस फॉर हाफ एन आवर, जो भी करना चाहते हैं फॉर फ्री, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हु ऑल आर सीरियस, ऑफकोर्स देयर वुड बी इंटेंस हीलिंग्स आफ्टर दैट विद डिफरेंट हीलिंग मोडेलिटीज अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल कोचिंग फॉर विच आई वुड बी फॉर्मिंग अ डिफरेंट पेड ग्रुप विद वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज, बट एज ऑफ नाउ फॉर 1 month द ग्रुप इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरी वन फॉर एवरी डे हाफ एन आवर हीलिंग्स टू ऑल, दिस वुड इंक्लूड प्रेयर्स, समटाइम्स मेडिटेशन, समटाइम्स हीलिंग डाउनलोड्स, आई डोंट नो वॉट आई एम गोइंग टू डू बिकॉज आई वुड गो विद द गाइडेंस, जो उस दिन के लिए मुझे गाइडेंस आएगी मैं वैसे वैसे करूंगी, फॉलोड बाय प्रेयर्स जो कि हम सब एक दूसरे के लिए भी करेंगे, इट्स नॉट अबाउट हम सिर्फ अपने अपने लिए कर रहे हैं, अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ तो मैं सबके लिए कर रही हूँ, लाइकवाइज आप अपने लिए कर रहे हो लेकिन आप उन सारे ग्रुप के लिए कर रहे हो, सो कलेक्टिव प्रेयर में बहुत पावर होती है, तो वो भी हम करेंगे, और अगर जब किसी को कुछ भी बेनिफिट मिलता है छोटा सा छोटा भी, इट्स नॉट अबाउट कि ह्यूज मेरे को नजर आएगा तभी मैं शेयर करूँ, थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है आई वुड अप्रिशिएट इफ यू शेयर इन द ग्रुप इटसेल्फ टू क्रिएट मोर पॉजिटिविटी, टू क्रिएट मोर फेथ इन पीपल, टू क्रिएट मोर यू नो सरेंडर मोड, जब तक हम सरेंडर पे नहीं आएंगे तब तक हम फ्लो में नहीं आएंगे, यूनिवर्स हमें हमारे अंदर जब तक, जिसे कहते हैं ना अगर पानी का पाइप है उसके अंदर अगर कोई भी ब्लॉक नहीं है तो वो फ्री फ्लोइंग जाता है, लेकिन अगर उस पाइप के अंदर कचरा फंस जाएगा, ब्लॉक्स आ जाएंगे, तो पानी फ्री फ्लो नहीं जाता, तो अगर हम डाउट करेंगे या अगर हम रखेंगे ना अपने पास रखते हैं जो कि है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे ना अगर बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, शायद वो लोग हंसे कि मैंने क्या बताया या मेरे को नजर लग गई, यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ डाउट्स, दोज थॉट्स, दोज विल क्रिएट ब्लॉकेज, और वो ब्लॉक्स ऐसे लगते हैं कि जो फ्री फ्लो हो रहा होता है ना एनर्जी, जो ब्लेसिंग्स आनी होती है वहां पे रुकावट पैदा हो जाती है, तो वो हम नहीं करेंगे, छोटी सी भी चीज का पॉजिटिव असर लगता है आपको बताना है, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, राइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, और साथ में अब जो जो उसके बाद एक एक अलग से डेडिकेटेड जो ग्रुप होगा दैट आई विल स्टार्ट, दैट आई विल फॉर्म इन डिफरेंट वे, जो 1 महीने में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरियस हैं, जेन्युइन हैं, डेडिकेटेडली कर रहे हैं, तब मैं चूज करूंगी, अभी 1 महीने तक मैं नहीं चूज कर रही, सो इट इज और इट्स अप टू यू हाउ यू गो अबाउट इट, तो उसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ले सकते हैं अपनी लाइफ में, मनी एरिया, हेल्थ एरिया, रिलेशनशिप एरिया, हम उन सब चीज़ों की हीलिंग्स डेडिकेटेड ग्रुप में करने वाले हैं, बहुत सारे कर्सेस, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी गाइडेंस में मुझे आते जाएंगे ग्रुप के अंदर मैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, वो और वैसे ही मैं जाऊँगी जो गाइडेंस में आता रहेगा, मल्टीपल हीलिंग डाउनलोड्स होंगी, मल्टीपल मेडिटेशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट कुड बी पास्ट लाइफ इशू, इट कुड बी एंसेस्ट्रल इशू, इट कुड बी कर्मास, इट कुड बी डिफरेंट एक्स वाई जी, जो नाम लोगे हमें नहीं पता, लेकिन उस टाइम जो गाइडेंस में आता जाएगा वी आर गोइंग टू डू इन दैट डेडिकेटेड ग्रुप विच वुड बी पेड ग्रुप विद वेरी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज, बट अभी के लिए इट इज कंप्लीटली फ्री, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट डेडिकेटेड ग्रुप विच आई एम गोइंग टू अनाउंस मे बी आफ्टर अ मंथ, आप आराम से तसल्ली से मुझे बाद में बता देना, बट एज ऑफ नाउ हु ऑल वुड बी ज्वाइनिंग डेली ग्रुप ऑन जूम फॉर फ्री,
टाइमिंग्स वुड बी टेंटेटिव. आई एम नॉट श्योर वेदर इट वुड बी 8:30 PM और 9 PM एवरी डे, बट आई वुड लेट यू नो. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस डेली हीलिंग ग्रुप, दे कैन लेट मी नो. यस, नाज़नीन इज सेइंग यस, काइंडली रेज योर हैंड्स. 15 मिनट्स मोर सुटेबल रहेगा इफ इट्स डेली. माई थॉट आई कुड सी, आई मीन सी वो तो रहेगा, बट सब कुछ करते वक्त वेन वी आर डूइंग मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, उसके बाद थोड़ा सा वी वुड बी नीडिंग टाइम, यू नो, फॉर मे बी कोई फीडबैक शेयर कर रहा है, मे बी यू नो देर आर फ्यू थिंग्स दैट माइट एक्सटेंड टू 30 मिनट्स. एंड यस, हु ऑल वुड बी रेडी? रूबी सेइंग यस मैम. मौलिक साहब, यस फॉर श्योर. सुरभि, आई एम रेडी. और बाकी आप लोग जो यहाँ पर नहीं है, हमें पता नहीं है कि उनका उनको कैसे मैसेज मिलेगा, आई एम नॉट श्योर. यस, नाउ यू मे. श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं 15 to 30 मिनट्स एट 9. थैंक यू फॉर योर सजेशन. नेहा इज सेइंग यस मैम. ओके, सो आई वुड सी वेदर अब वो 15 से 20 मिनट 30 मिनट कितना चाहता है, आई एम नॉट श्योर, बट यस आई वुड सी. मतलब आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग कि अभी 15 मिनट का ही रखेंगे या 30 मिनट का रखेंगे. लेट्स सी हाउ द फ्लो गोज. यस, 15 to 20 मिनट्स, राइट. सो वन क्वेश्चन, दैट टाइम वी आर इन ऑफिस, सो प्लीज गाइड मी. उस केस में अगर आप उस टाइम पे रिसीव नहीं कर सकते, आई सेड दैट एट द सेम टाइम आई वुड बी यू नो पुटिंग इट ऑन यूट्यूब, सो यू मे गो थ्रू दैट वीडियो लेटर ऑन एज पर योर कन्वीनियंस इन दैट सिनेरियो. सो नाउ यू मे आस्क एनीथिंग इफ यू हैव एनी क्वेरी. कोई क्वेश्चन आपका, कोई आपका सजेशन है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, सो नो सजेशंस एज ऑफ नाउ, नो अदर क्वेरी. सो डेट जो है कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको ग्रुप के अंदर मेंशन कर दूंगी. मे बी आफ्टर अ वीक और सो आई विल मेंशन द डेट एंड टाइम अकॉर्डिंगली एंड वी कैन ज्वाइन दिस, राइट. कुछ भी आपको कहना है. एंड यस नेहा, यू केम लेट. रूबी, सुरभि, आप भी लेट आए. हिमांशु जी भी लेट आए. आप एक बार अपना स्क्रीन अपना वीडियो तो ऑन करो, हमने आपकी शक्ल ही नहीं देख रखी है. हाय सुरभि, नेहा, आप और हिमांशु जी, आप लोगों का मेरे रीडिंग करा था लास्ट मंथ, साइकिक रीडिंग. इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट इट. हिमांशु जी, नेहा, आप लोग वीडियो पे आ जाओ, अनम्यूट कर लो. हाँ जी मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा. हाँ जी, अब आ गया होगा मैम। हाँ जी. सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट साइकिक रीडिंग और एनी काइंड ऑफ हीलिंग? यू वांटेड टू शेयर समथिंग अबाउट इट? मैम हीलिंग जो की थी, एंसेस्टर हीलिंग मैंने ली थी, तो उसका इफेक्ट तो ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कुछ हुआ। थोड़ा वाइब्रेशन भी आते हैं मेरे को, बैक में भी काफी वाइब्रेशन आते हैं, हार्ट में भी वाइब्रेशन आते हैं। और आपका यूट्यूब के थ्रू मैं मनी हीलिंग वाला भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी काफी वाइब्रेशन आते हैं। एंड वेरी आपने गुड. एक कर्मा हीलिंग वाला भी आपने डाला था व्हाट्सएप में, तो वो भी वीकली कर पाते हैं, डेली नहीं कर पाते हैं, उसमें भी काफी अच्छा।
और जो ऐसा अभी तो आपने साइकिक रीडिंग करवाई थी वो उसके बारे में मैम, आप उसमें कुछ तो मेरा बताओगे? तो मेरा फ्यूचर के लिए आपने वो आपने बताया था शायद, कि हाँ आपने दोबारा से मेंशन किया है कोई क्वेरी आपकी, दोबारा से आई है उसके, शायद। हाँ मुझे हाँ जी याद आया, क्योंकि उसमें आपने कंप्लीट डिटेल नहीं डाला था तो इसलिए हाँ शायद जी हाँ गया जी था। राइट अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वेरी सून। डेली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑन जूम पे हम करेंगे हीलिंग एवरी डे। इट कुड बी एनी थिंग। आई एम नॉट आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि मुझे करना क्या है, बट क्योंकि मुझे गाइडेंस आई है तो मैं करूंगी। और जो जो डेली गाइडेंस आती जाएगी आई विल फॉलो द सेम गाइडेंस। कोई मेडिटेशन की आ सकती है, एंड स्पेशली उन चीजों में हम गौर करेंगे क्योंकि 2023 खत्म हो रहा है और 2024 आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे टफ टाइम 2023 में गए हैं, मुश्किल समय जो हमने देखा था, अगर किसी ने भी देखा, तो हम उसको लेट गो करेंगे। और जो अच्छा आया उसको हम उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिससे कि और अच्छी चीज आए, नई चीजों के लिए 2023 में हमारे अंदर स्पेस बने। क्योंकि जब हम लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस करेंगे देन देयर वुड बी अ वॉइड। वंस वी रिलीज द नेगेटिव इमोशन द वॉइड वुड बी क्रिएटेड एंड वी विल फिल द वॉइड विद पॉजिटिव थिंग्स, सो दैट 2024 हमारे लिए एक बहुत अच्छे शुरुआत के साथ बहुत अच्छा हमारे लाइफ में आए, हम उसका वेलकम करें। और साथ में हम जो चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप है, अपना जॉब है, अपना करियर है, एनीथिंग, वो हमारे हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिले। विद दिस पॉजिटिव नोट वी वुड आई मीन व्हाट आई फील इज वी शुड स्टार्ट आर 2024, विच इज, जो लोग देर से आए थे, मैं रिपीट करना चाहूंगी कि 2024 का नंबर है 8। नंबर 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनिदेव, और 8 ऑल्सो रेफर्स टू कर्मास, कार्मिक, कर्मा का रिलेशन है यहाँ पर 2024 में। तो हमें बहुत ध्यान से रहना है। और जो लॉर्ड सैटर्न जिसे हम कहते हैं, शनिदेव जो है वो आपको पता है कि बहुत बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, अगर आपके कर्माज अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो आपको उस तरीके से बताते भी हैं अपने तरीके से कि अब आप सुधर जाओ। सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट आर न्यू ईयर विद द पॉजिटिव नोट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव कर्मास, एंड स्टे फोकस्ड, डिसिप्लिन इन आवर लाइव्स। राइट? यस 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 मैम, परफेक्ट। सो सी यू ऑल वेरी सून। एंड जिन लोगों के साइकिक रीडिंग्स बची हुई हैं उसकी डेट भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगी। आई विल टेल यू ऑल द रीडिंग्स जो जो भी हैं। आप लोग हो उनमें से, कुछ लोग आपकी ड्यू हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड वेरी सून विल स्टार्ट द ग्रुप ऑफ हीलिंग्स। एंड जो जो भी आपको हीलिंग स्पेसिफिक आपकी है या यू वॉन्ट समथिंग, यू कैन शेयर योर आइडियाज इन द ग्रुप। यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ डिफरेंट मेडिटेशन, यू कैन शेयर लाइक हीलिंग मेडिटेशन रिलेटेड टू कर्मा, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू चक्रास, रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू, सो दैट अगर गाइडेंस आती है आई कैन टेक द गाइडेंस एंड अकॉर्डिंगली आई एल डू द नीडफुल। बिकॉज हमने तो अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट की हीलिंग करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि नहीं जी हमें हेल्थ से ही रिलेटेड हीलिंग करनी है, हमें जॉब की भी करनी है, मनी की भी करनी है, रिलेशंस की भी करनी है, हेल्थ की भी करनी है, मतलब हर एक एस्पेक्ट की करनी है, अपनी फैमिली, अपने हर चीज की। सो इफ यू वॉन्ट सम स्पेसिफिक हीलिंग आप मेरे को बस बता देना ड्यूरिंग दोज डेज। कहीं कभी ना कभी मैं 2-4 दिन आगे पीछे करके उस चीज को भी कवर अप कर लूंगी इन दैट डेली फ्री हीलिंग वाले सिनेरियो। राइट?
ग्रेट मैम रूबी सिंह, यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट. सो सो नाइस टू मीट यू ऑल. इसी के साथ आज का दिन हम अपना साइनिंग ऑफ करते हैं, एंड गुड नाइट टू ऑल. हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड. बाय बाय. गुड गुड नाइट मैम, थैंक यू वेरी नाइट. मच. गुड नाइट. बाय बाय बाय.